नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर होती रहेंगी वो सब आपका साथ से पहुँचते रहेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कौन सा बड़ा बयान निकल के सामने आया है और उन्होंने क्या बोला है कि अगर इसी नियम के हिसाब से पूरी की पूरी चीज़ों को जो है वो माना जाएगा। तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम बता देते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का क्या बड़ा बयान निकल के सामने आया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं और बहुत सारे जगह जो है ऐसे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं, तो उसी बीच की इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है। उन्होंने बोला है कि हम सभी के दस्तावेज जांच कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि फ़िलहाल 21 से लेकर 6 तारीख तक जो है आप लोगों के क्लर्क के जितने भी उम्मीदवार थे उनका जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर क्लर्क कुल 4,858 पदों के लिए हम अब उन उम्मीदवारों के दस्तावेज जांच कर रहे हैं जो संशोधित परिणाम के बाद दस्तावेज जांच के लिए योग्य हैं। पहले दस्तावेजों की जांच हुई थी मगर बायोमेट्रिक निशान का मिलान नहीं किया गया था। हमारे पास उन सभी उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा एवं दस्तावेज जांच के समय पहुंचे उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक निशान सुरक्षित है, अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दस्तावेज जाँच के लिए 1500 में से 500 उम्मीदवार ही पहुँचे हैं, उनमें से 3 उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक निशान का मिलान नहीं हुआ है। इसमें मोनू संगल, राहुल कुमार और एक अन्य उम्मीदवार शामिल है। अगली कार्रवाई के लिए मामला जो है वो पूरा का पूरा रोक दिया गया है और साथ साथ बताया है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए 7 जनवरी 2020 जिन दस्तावेजों शुरू हुई थी वो लागू किए जाने वाले हैं। तो यानी अगर 7 जनवरी 2020 तक उम्मीदवार के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं था तो उसके अंक मिलेंगे, भले ही इस तारीख के बाद उसके परिवार में कोई और सरकारी नौकरी में लगाया गया हो। तो इन्फॉर्मेशन बता दी गई है कि पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी आपको, पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। 7 जनवरी 2020 के पहले तक अगर कोई भी आपके परिवार में नौकरी नहीं थी तो उसको ये नंबर दिया जाने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है, ये सब कुछ आपको बताना था। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम्स का पूरा पालन किया जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद होगा ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके साथ हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल।